जोहार साथियों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में अभी हम एयर फिल्टर को सफाई करेंगे। काफ़ी दिनों से मैंने सफाई नहीं किया, जब से मतलब कंपनी के अंदर मशीन घुसा है तब से लेकर अभी तक करीब 20 दिन जैसा हो गया है मुझे लगता है वैसे। तो अभी मैं इसको सफाई करूँगा, देखते हैं कितना डस्ट निकलता है। और मुझे लगता है काफ़ी सारा डस्ट हो जाता है यार, हो जाता होगा, क्योंकि अभी सफाई करने के बाद पता चलेगा पूरा एकदम आयरन वाला डस्ट है ना, पूरा काला काला निकलेगा। तो दिखाएंगे आपको दोस्तों वीडियो में किस तरह का जो है डस्ट निकलता है, सब कुछ वीडियो में देखने को मिलेगा। साथ ही जोहार, बने रहिए वीडियो में। कल बारिश भी हुआ है तो आज मौसम थोड़ा सा बहुत बढ़िया है, सुहाना है। सुबह सुबह करीब 6 बज के कुछ मिनट हो रहा है, तो मैं अभी आया हूँ मशीन के नज़दीक, देखते हैं उसके बाद आपको दिखाऊंगा मशीन के नज़दीक। तो साथियों, अभी खोलने का प्रयास किया जा रहा है, देख पा रहे हैं आप जिस तरह से काफ़ी टाइट है, टाइट महसूस हो रहा है मुझे खोलने के लिए। तो लगता है अभी सर्विसिंग हो ना, किसी दिन पहले मतलब चेंज हुआ उसका फिल्टर। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से, यहाँ कुछ वायर लगता है मुझे जाली उखड़ गया, तो इसको अभी सबसे पहले बैठाना होगा। इसी के चलते मुझे लगता था कि थोड़ा सा टाइट निकल रहा था, हालांकि ये ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा उखड़ गया जो साइड वाला है ना रोबोट। तो साथियों, देख सकते हैं सफाई का काम अभी शुरू हो गया है, और देख सकते हैं कि जो इस तरह से जो डस्ट यहाँ से निकल रहा है, काफ़ी सारा डस्ट है जो मैंने करीब 15-20 दिनों से सफाई नहीं किया है। तो देख पा रहे हैं दोस्तों कुछ इस तरह से जो है डस्ट निकल रहा है। तो 15-20 दिनों से सफाई नहीं कर रहा था, कुछ निकला डस्ट यहाँ देख पा रहे हैं। और मेरे पास साधन कुछ है नहीं अभी, मेरे फ़िलहाल ऐसे ही सफाई करना पड़ेगा मुझे। देख पा रहे हैं कुछ इतना इकट्ठा हो गया, और भी निकलेगा, और नीचे भी कुछ गिरा है। तो साथियों, आपको सप्ताह में एक बार फिल्टर को सफाई करना बहुत ज़रूरी है। एयर फिल्टर को क्या होता है कि काफ़ी सारा डस्ट उड़ता है ना, जैसे अभी गर्मी का सीज़न है, मई का महीना है, तो काफ़ी सारा डस्ट जो है यहाँ पे खींचने लगता है। तो 7 दिन में 8 दिन में आपको समय निकल के जो है सफाई करना ही चाहिए साथियों, नहीं तो फिर इस तरह से जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा डस्ट फिर। देख पा रहे हैं साथियों कितना जो डस्ट यहाँ पे निकल गया, मुझे लगता है काफ़ी जो सफाई हो गया, बढ़िया से सफाई हो गई मुझे लगता है। इतना डस्ट निकला है देख पा रहे हैं, पूरा आयरन वाला डस्ट है एकदम, तो काला वाला डस्ट। और भी थोड़ा बहुत होगा लेकिन बहुत सफाई हो गया है। दोस्तों, लगातार समय में कुछ सारे बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे फिल्टर को जब लगाइएगा आप, उस समय कुछ सारे बातें को ध्यान रखना चाहिए, आगे वीडियो में आपको बताएंगे। देख पा रहे हैं दोस्तों नीचे में भी कुछ गिरा, और ऊपर में इतना हो गया है, और नीचे में भी कुछ साथियों देख पा रहे हो। दोस्तों, लगातार समय एक बात का ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इसको सफाई कर लेते हैं। दोस्तों, ये छोटा वाला जो फिल्टर है इसको निकलने का ज़रूरत है नहीं आपको, अगर आपका बड़ा के साथ निकल जाता है तो वो अलग बात है, अगर नहीं तो अलग से इसको निकलने का ज़रूरत है नहीं। तो बार बार सफाई कर देना, उसके बाद जो फिल्टर को लगा देना है। लगाते समय दोस्तों एक बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, जैसे आपको फिल्टर लगाते समय भी ध्यान रखना है, और कवर जब लगे उस समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। देख पा रहे हैं दोस्तों, फिर लगा दिया, लगाते समय क्या होगा, बीच में आपको प्रेस नहीं करना है ज़ोर से, नहीं तो फिर वो फट जाएगा, जो रबर दिया हुआ है वहाँ पे वो फटने के बाद दोस्तों दिक्कत हो जाएगा। और दोस्तों, ये वाला जो कवर लगा रहे हैं, इसका कवर का दोस्तों नीचे वाला जो एक होल है, रास्ता दिया हुआ है, उसको नीचे ही रखना है हमेशा डाउन की तरफ, ताकि जो है देख पा रहे हैं जो हल्का हल्का दिखाई दे रहा है वहाँ पर, उसको नीचे तरफ रखना है, और लॉक वाला पोजीशन को ऊपर में रखना है तो आसानी से लग जाए। ये मेरा वाला जो है ना हॉर्स पाइप के चलते थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लगाने में थोड़ा सा मुसीबत हो रहा है दोस्तों, अभी धीरे धीरे लग जाता है। वो क्या होता है कि वन साइड हो गया जैसे लग रहा है मुझे, या हॉर्स के चलते थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, थोड़ा सा दिक्कत होता है लेकिन लग जाता है। तो दोस्तों, ये था छोटा मोटा जो है फिल्टर चेंजिंग का वीडियो है ये। उसके बाद मोबिल चेक किया मैंने, मोबिल करीब ठीक ही है, मिडिल क्लास में है अभी, देख पा रहे हैं मिडिल में है, बीच में है। उसके बाद जो है यार
अब देख पा रहे हैं दोस्तों जो है कूलांट भी ठीक ही है, तो टंकी बड़ी मच की पौरिंग की जो है।